सलाम। इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन पे अवश्य फोन कीजिए या आपके निकट जो भी जीवा फर्टिलिटी सेंटर है उस पर जरूर आइए। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमें स्कैन कराने के लिए कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि इतने स्कैन्स क्यों कर रहे हैं आप, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रही थी जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि स्कैन्स कब, क्यों और इतने बार क्यों किए जाते हैं। तीन तरह के अवसर होते हैं जहां स्कैन्स को करना पड़ता है। सबसे पहला है जब आप पीरियड के किसी भी दिन जाके स्कैन करा सकते हो। आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो या आपके बच्चे नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है या प्रेगनेंसी आके नहीं रुक रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो आप अवश्य डॉक्टर के पास जा सकते हो। चाहे आपका 14वां दिन हो, 21वां दिन हो, कोई सा भी दिन हो पीरियड का, आप जाके एक स्कैन करा सकते हैं। इस स्कैन में आपके डॉक्टर आपके यूट्रस को देखेंगे, आपके ओवरीज को देखेंगे, बट मुख्य तौर से यूट्रस को देखेंगे कि अंदर कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, पॉलिप्स तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस की वजह से डैमेज तो नहीं हुआ है, यूट्राइन सेप्टम यानी कि एक दीवार जैसा तो नहीं आ गया यूट्रस में जिसकी वजह से दो भाग हो गए, जिससे आपके मिसकैरेजेस या प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रहे, ये सब स्कैन द्वारा देखा जाता है। ये स्कैन आप कभी भी करा सकते हो, इसके द्वारा गर्भ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है। दूसरा स्कैन होता है डे टू या बेसलाइन स्कैन, ये बहुत ज़रूरी होती है। पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन ये स्कैन किया जाता है और इस स्कैन में ये देखा जाता है कि गर्भ ठीक तरह से ब्लीड हो रहा है या नहीं, ब्लीडिंग ठीक से हो रहा है पीरियड के दौरान या नहीं, और ओवरीज कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी। पीरियड में हो रहा ये होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नामक हार्मोन एग्स को बड़ा कर रहा होता है। जब ये एग्स बड़े हो रहे होते हैं ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता रहता है LH नामक हार्मोन रिलीज होता है। जब ये बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो अंडा ओव्यूलेट होता है। एक अंडा ही ओव्यूलेट होता है, जो बाकी के अंडे होते हैं वो ग्रो नहीं होते, वो मर जाते हैं, समझिए डिस्ट्रॉय हो जाते, डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जब अंडा ओव्यूलेट होता है ये ट्यूब में आके वेट कर रहा होता है। स्पर्म्स अगर होते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके जो एम्ब्रियो है यूट्रस में आएगा। इस दौरान जब अंडा ओव्यूलेट होता है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन भी रिलीज होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है गर्भ को बड़ा करने के लिए, इसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जान लीजिए कि चार हार्मोन बहुत ज़रूरी है। तो जब आप बेसलाइन स्कैन कराते हो तो आपके डॉक्टर देख रहे होते हैं कि क्या ओवरीज में अंडे ठीक से बढ़ रहे हैं, कितने हैं, अभी अगले पीरियड के लिए कितने बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें से एक ही रिलीज होगा, बट ये अनुमान लगाया जाएगा कि कितने ओवरी इसमें कितने अंडे हैं, क्या वो आपके एज के मुताबिक हैं या नहीं। और इसी दौरान आपके गर्भ को भी देखा जाएगा कि ठीक तरह से ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं और अगले साइकिल के लिए क्या तैयारी हो रही है या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी स्कैन होता है। इसके मुताबिक आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि IUI करें, IVF करें, क्या आप वेट कर सकते हो, आपकी एज ठीक है उसके मुताबिक करें, आपके हार्मोन लेवल्स के मुताबिक आपका स्कैन रीडिंग है, ये सब अनुमान लगाया जाता है। तीसरा होता है ट्रीटमेंट स्कैन्स। ट्रीटमेंट के दौरान जब ये स्कैन्स किए जाते हैं उसे ट्रीटमेंट स्कैन्स कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्कैन्स होते हैं। चाहे आप ओव्यूलेशन इंडक्शन कराओ यानी कि जब टैबलेट लेके आप नेचुरली ट्राई करना चाह रहे हैं, चाहे आप IUI कराओ या चाहे आप IVF कराओ। ओव्यूलेशन इंडक्शन में टैबलेट्स देके अंडों को बड़ा किया जाता है और जब अंडे करेक्ट साइज के हो जाते हैं और वो रिलीज होने लगते हैं, आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, नेचुरली ट्राई करने के लिए बोला जाता है। IUI में आपको इंजेक्शन या टैबलेट्स देंगे, एक या दो अंडे बड़े करेंगे। जब अंडे करेक्ट साइज के हो जाते हैं उन्हें रिलीज करेंगे ओवरीज से, जब वो ट्यूब में आएंगे तब आपके हस्बैंड के स्पर्म को प्रोसेस करके आपके यूट्रस में या गर्भ में डाला जाता है। और ये बहुत जरूरी है कि करेक्ट टाइम में वो स्पर्म्स अंदर डाले जाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि चाहे ओव्यूलेशन इंडक्शन हो या IUI हो, स्कैन्स कितने इंपॉर्टेंट है। स्कैन्स के द्वारा हम देख सकते हैं कि अंडे ठीक से बढ़ रहे हैं, क्या मेडिकेशन ठीक है, क्या डोज को बड़ा करना चाहिए या कम करना चाहिए, ये सब देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है। उसके बाद IVF की बारी है। IVF एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो स्कैन्स पर बहुत निर्धारित है। स्कैन्स इसीलिए क्योंकि जब हार्मोन्स दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा डोसेज में दिए जाते हैं और उनके रेस्पॉन्स में ओवरीज में अंडे बड़े होते हैं। जब अंडे बड़े हो रहे होते हैं रेस्पॉन्स ठीक से देखा जाता है। आपको 3 या 4 स्कैन्स के लिए बुलाया जाएगा। क्या डोसेज ज़्यादा है, क्या डोसेज कम है, क्या आपके ओवरीज में बहुत ज़्यादा अंडे बढ़ रहे हैं जिसे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन कहते हैं, जो अच्छा नहीं होता है, तो उसका अनुमान भी लगाया जाता है और उसके लिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो IVF के दौरान के स्कैन्स हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको उन्हें मिस नहीं करना चाहिए और आपके डॉक्टर द्वारा जब भी वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं आपको वो कराना चाहिए। इसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान यानी कि जब हम एम्ब्रियो बना लेते हैं IVF के बाद, जब उसे यूट्रस में डाला जाता है, गर्भ में डाला जाता है,
तभी भी स्कैन के द्वारा ही उसे अंदर डाला जाता है। और 14-15 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी आ जाता है, ब्लड टेस्ट द्वारा पता लगाने के बाद 1 महीने के बाद आपको स्कैन के लिए बुलाया जाएगा। प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव है तो फीटल हार्ट देखने के लिए, यानी बच्चे का हार्ट बीट देखने के लिए। तो ये सारे स्कैन्स प्रेगनेंसी की कोशिश करने के टाइम, प्रेगनेंसी आने के बाद तो आपको पता ही है कितने महत्वपूर्ण स्कैन्स होते हैं, तो जब भी आपके डॉक्टर ने स्कैन्स प्रिस्क्राइब किया है आपको अवश्य कराना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं, आपको इसके बारे में हेल्प चाहिए, आपको ट्रीटमेंट चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।